सोशल मीडिया स्टार और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन पर इल्जाम लगा है रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति को झापड़ जड़ने का। वीडियो तेजी से वायरल है, लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एल्विश यादव एक रेस्टोरेंट में है जहां उनके आसपास पुलिस भी है, तभी वो गुस्से में एक आदमी की सीट पर जाते हैं और फिर उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद उनके आसपास मौजूद लोग रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन एल्विश शांत नहीं होते। टेबल पर बैठा शख्स दोबारा एल्विश को कुछ कहता है और वो फिर उसे पकड़ने आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनकी टीम उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से ले जाती है। सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि रेस्टोरेंट में एल्विश यादव ने जिस व्यक्ति को झापड़ मारा है उसने एल्विश यादव की माँ परिवार के बारे में अपशब्द कहे थे। एल्विश से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना आपा खोते हुए जाकर उसे थप्पड़ मार दिया। घटना को पास में ही बैठे किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया है। एल्विश के हेटर्स का जहां ये कहना है कि ये काम उन्होंने नशे में किया होगा, वहीं उनके फैंस का कहना है कि अगर कोई आपके परिवार को गाली देता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया देना जरूरी होती है, वरना उसकी हिम्मत और भी बढ़ती है। फैंस के हिसाब से एल्विश ने कुछ गलत नहीं किया है। वहीं एल्विश ने इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद कहा, मुझे ना लड़ाई करने का शौक है ना हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। फोटो खिंचवाने की बात है तो हम सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पीछे से जब कोई कमेंट पास करता है, माँ बहन की गालियाँ देता है तो हम उसको नहीं छोड़ते। वीडियो में तुम्हें दिख रहा होगा कि पुलिस भी पीछे चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने गलत किया हो।